गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने चैप्टर फाइव की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोगों ने हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया था। आशा है आप लोगों ने इसे कॉपी पे अपने की होगी। आज हम लोग बुक, अपने बुक की पेज नंबर 43 के को देख रहे हैं आप लोग अपने सामने। 43 में यह समझना है कि जीरो क्या होता है। यहाँ पर कितने मैंगोज है, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिखे। यहाँ पर कोई भी थिंग्स नहीं है, तो इसके लिए क्या फिल करेंगे, जीरो। तो जहाँ पर जीरो का क्या मतलब होता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इसको हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। एक प्रॉपर्टीज है वेन जीरो इज एडेड टू एनी नंबर रिमेंस द सेम। जब जीरो को किसी भी नंबर में ऐड किया जाता है, जीरो को किसी नंबर के साथ ऐड किया जाता है या किसी भी नंबर में जीरो ऐड किए जाते हैं, तो रिजल्ट जो है हमेशा जो है नंबर होता है वह खुद होता है। जैसे जीरो में 2 ऐड करेंगे तो 2, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 0 में 7 ऐड करेंगे 7। तो इस तरह से 0 किसी भी नंबर के साथ ऐड होने पर हमेशा वही नंबर प्राप्त होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है वेन 0 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर लेट द सेम नंबर। किसी भी नंबर से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमेशा जो नंबर होते हैं, मीनिंग जिसे कहते हैं, वही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 में 2 सब्ट्रैक्ट 0, 2 माइनस 0 यानी कि 2 होंगे, 1 माइनस 0 1 होंगे, 6 माइनस 0 6 होंगे, 4 माइनस 0 4 होंगे, 0 माइनस 0 0 होंगे, 8 माइनस 0 8 होंगे। तीसरी प्रॉपर्टीज कहती है कि एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर इटसेल्फ गिव रिजल्ट ऑलवेज 0। किसी भी नंबर को सेम उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट जो है डिफरेंस हमेशा 0 होता है। तो क्या होगा, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 5 0। तो इस तरह से यह पेज नंबर जो है अपनी थी 44 और 45 से संबंधित इसे कंप्लीट कर लेंगे। और पीछे की पेज जो है 42 एंड 43 में भी आप लोग अपनी समझ से फिल कर लेंगे। इस तरह से बुक में यह चैप्टर अपनी कंप्लीट हो जाएगी। कॉपी वर्क के बारे में कल फिर हम बात करेंगे। Thank you. Have a nice day.